नमस्कार, देश का सबसे पुराना चैनल Zee News, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल Zee News और इसी Zee News पर बहस के नंबर वन शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। दंतेवाड़ा में IED ब्लास्ट से DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों की एक गाड़ी को उड़ा दिया है। हमले में 10 जवान शहीद हो गए हैं, ड्राइवर की भी मौत हो गई है। कुल मिलाकर 11 लोग शहीद हुए हैं इस पूरे बड़े हमले में। ये आईडी ब्लास्ट दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुआ, जब DRG की टीम सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही थी। जोरदार धमाके में सर्च टीम की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, सड़क पर बड़ा सा गड्ढा हो गया। आपको बता दें कि ये DRG की बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी। ये टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए गई थी लेकिन बारिश होने की वजह से वहीं फंस गई थी। इसके बाद इन लोगों के लिए एक प्राइवेट व्हीकल भेजा गया था। उसी प्राइवेट व्हीकल से ये DRG जवान लौट रहे थे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसी कच्चे रास्ते पर नहीं बल्कि पक्की सड़क पर बीच सड़क IED लगाया गया था। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि नक्सलियों को जवानों के इस रास्ते से लौटने की जानकारी थी। हमले के बाद राज्य सरकार के साथ ही गृह मंत्रालय भी एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की है और इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्हें भरोसा दिलाया है कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि शहीदों के परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं और उनकी सरकार नक्सलियों को बख्शेगी नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया है। सवाल यह है कि दंतेवाड़ा में हुआ नक्सली हमला क्या सुरक्षा की बड़ी चूक नहीं है? क्या नक्सलियों के किसी हमदर्द ने जवानों के बारे में मुखबिरी की? साथ ही साथ सवाल ये भी है कि क्या अब देश में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाए जाने की जरूरत है? करेंगे इस पर बड़ी बहस, लेकिन पहले ये अपडेट देख लीजिए। उसमें 10 DRG जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोगों का शहादत होगी। ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करें। तो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने इस हमले पर दुख जताया है, निंदा की है इस हमले की। पीएम मोदी ने इस पर दुख जताया है। देखिए कितना बड़ा IED का ब्लास्ट है, देखिए गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि यह हमला निंदनीय है। उन्होंने कहा है शहीद बहादुर जवानों को हमारी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा है और पूरा देश इन शहीद जवानों को हमारे साथ साथ, मेरी पूरी टीम Zee News की टीम और साथ ही साथ मेरे पूरे दर्शक इन शहीदों के प्रति, इनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। परिवार को ये हौसला देते हैं कि पूरा देश संकट की इस घड़ी में उनके साथ है, इन लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और जैसा कि भूपेश बघेल ने कहा कि अंतिम दौर में चल रहा है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन। एक जमाने में कई हमले होते थे, बड़े हमले होते थे। एक हमला मुझे 2013 का याद है जिसमें पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप राज्य की उस आतंकी हमले में खत्म हो गई थी। तमाम चीजों की बात करेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये तो जंगल में रह रहे हैं तो उनके पास IED आता कहां से है, हथियार कहां से आते हैं, क्या चाहते हैं बंदूक के दम पर, कैसे भोले भाले आदिवासियों को मूर्ख बना जाता है, तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं मैं आपको बता दूं, मेहमान के तौर पर मेरे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अनुमा आचार्य जुड़ चुकी है, विंग कमांडर अनुमा आचार्य अगर मैं गलत नहीं हूं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ अरविंद जैन साहब हैं, पूर्व DGP है। थोड़ी देर में मेरे साथ PK मिश्रा साहब जुड़ेंगे जो कि पूर्व ADG हैं, BSF
बीएसएफ के और कई सारे नक्सल ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। अनुमाचार्य, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, आपकी वहां पर सरकार है और सरकार ने काफी हद तक नक्सली हिंसा को थाम लिया है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खुद भूपेश बघेल जी ने कहा कि भाई अब ये लड़ाई नक्सलियों के साथ अंतिम दौर में है, आप क्या जानकारी शेयर कर पाएंगी हमारे साथ? देखिए, ये जो टुकड़ी गई थी ये भी दरअसल नक्सल विरोधी अभियान के तहत ही गई थी और इसके ऊपर ये हमला हुआ है। और आपने देखा होगा कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही दो बड़े नक्सली पकड़े गए थे, बहुत सारा असलाह पकड़ा गया था, उनके साथ विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई थी। तो इस समय जो डीआरजी है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस जो है, वो रिजर्व गार्ड, उसके लोग इसमें शामिल थे और इनका बहुत अच्छा काम वैसे चल रहा है क्योंकि काफी सतर्क है। और ये भी आपको मालूम होगा कि सीआरपीएफ ने वहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए हैं जिसके जरिए और डीआरजी के साथ ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और उसके कारण काफी कुछ हम देख रहे हैं, नक्सली हिंसा काबू में आई है। बहरहाल हम ये जानते हैं कि 489 से ज्यादा हमारे जवानों की मतलब जाने जा चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं, बहुत सारे सिविलियंस भी शहीद हुए हैं, सैकड़ों सिविलियंस शहीद हुए हैं, लेकिन नक्सली जो है वो भी करीब 700 के करीब हमने देखा है कि वो उनको मारा गया है। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम जो है काबू में आना है। और आपने देखा भूपेश बघेल जी ने जो कहा, उनकी सरकार भी और सीआरपीएफ भी दोनों की तरफ से ये ज्वाइंट मिशन चल रहा है और हम देखेंगे कि हो सकता है कि इसे हम और भी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब हो जाती हैं, कांग्रेस का आपने जिस घटना का जिक्र किया, 32 कांग्रेस के नेता एक साथ उस हमले में गए थे और उसमें विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े नाम, नंद कुमार पटेल जैसे नाम थे, तो ये एक ऐसा दहशतगर्दी का आलम है। हालांकि एक और बात देखने में आती है कि जब ये नक्सल हिंसा कम हुई थी तो 23 मार्च को अचानक वहां अमित शाह जी जाते हैं, एक स्कूल में जाते हैं, बच्चों को चॉकलेट बांटते हैं, तो वो भी हमने देखा कि जब काबू में थी तो ये सब हुआ, लेकिन अचानक जब ऐसा लगता है कि शांति आ रही है तो फिर अचानक इस तरह का हमला होता है। तो इसको भी मुझे पूरी उम्मीद है कि सतर्कता से और उसी शिद्दत से, हालांकि इन जवानों की जो शहादत हुई है इस पे, क्योंकि मैं खुद एक यूनिफॉर्म सर्विस से आती हूँ, हर बार दिल दहलता है जी, चाहे यहाँ हो चाहे कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में हो, हमारे जवान कभी नहीं सोचते, उनके परिवार कभी नहीं सोचते, उनको कहीं आड़े नहीं आते, तो हमारे जवानों की ये शहादत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, बस ये कहना चाहती हूँ। ठीक है हनुमा जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। में सीधे अरविंद जैन साहब के पास चलता हूँ, आईपीएस अधिकारी हैं, कई तरह इस तरह के ऑपरेशन कर चुके हैं जिसमें उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी, जो टेररिज्म जैसी घटनाएं होती रही हैं, उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में रहे हैं। अरविंद साहब, उत्तर प्रदेश से तो अब नक्सलिज्म अगर ये कहें कि पूरी तरह उसका सफाया हो गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन मैं समझना चाहूंगा आखिर चाहते क्या है? 10 जिन लोगों को मारा वो भी उनके ही भाई थे जिन लोगों ने मारा, क्यों हो रहा है नक्सलिज्म के नाम पर ये लाल आतंक क्यों? देखिए, ये नहीं चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, सड़कें बने, सड़कों को ही कवर देने के लिए, सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने के लिए सीआरपीएफ और डीआरजी वगैरह की ड्यूटी लगती है जिससे सड़कें बन सकें, ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, जो गाड़ियां हैं उन सबको उड़ा ना दें, ये कहने को ये कहते हैं कि हम गरीबों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, पर अब सबकी समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ट्राइबल्स की भी समझ में आ रहा है कि ये कोई गरीबों के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो बल्कि उनके हकों को मार रहे हैं। और गवर्नमेंट जो इंटीरियर एरियाज में जो रेड कॉरिडोर है, सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर, उसका विकास करना चाहती है, वहाँ पर सड़कें, पुल और सब संसाधन उपलब्ध कराना चाहती है, स्कूल बनाए जा रहे हैं जिससे कि वहाँ पे शिक्षा का स्तर उठ सके, हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, इस सब का विरोध करते हैं। मैं भूपेश बघेल साहब की इस बात से सहमत हूँ कि ये लड़ाई अंतिम दौर में है, पर जाते आते ये एक नुकसान कर दिया इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स के 11 जवान मारे गए हैं, ड्राइवर मारा गया है, और ये बड़ी एक 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 सांत्वना इस बात की है कि MHA और जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं वो सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये कुर्बानी दी है इन्होंने, ये कतई वेस्ट नहीं जाएगी
और जो इनके ऊपर और प्रेशर बिल्डअप करना है। पहले आपने देखा होगा बहुत बड़ा एरिया इनके कंट्रोल में आ गया था। मैं आऊंगा अरविंद साहब, मैं ये भी समझूंगा कि इन इलाकों में क्यों, लेकिन इस वक्त पीके मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक एडीजी हैं बीएसएफ के, साथ ही साथ काउंटर इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट है, कई किताबें लिख चुके हैं इस पर। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस हमले पर आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है एज एन एक्सपर्ट, वो क्या है, क्यों किया गया है, और क्या वाकई छत्तीसगढ़ में अब नक्सल जो है, जो कभी एक जमाने में खौफ और आतंक हुआ करते थे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब ये समस्या अंतिम दौर में है, क्या यही आखिरी झटका है, आप इसे मानेंगे? मैं दीपक जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल आखिरी झटका है। अमित शाह जी वहां गए थे, और दांतीवाड़ा मैं कितनी बार गया हूं, और पर्टिकुलरली ये एरिया जो है, आप सुकमा देखिए, कांकेर देखिए, बीजापुर देखिए, दांतीवाड़ा देखिए, नरसिंहपुर देखिए, बस्तर देखिए, कोडागांव देखिए, इस एरिया में पहले क्या प्रॉब्लम नहीं था, नक्सलाइट्स का उपद्रव बहुत था, जो छत्तीसगढ़ था पूरे उनके कंट्रोल में था, पूरा बस्तर जो था और दंडकारण्य जहां बिल्कुल उनका गढ़ माना जाता था। लेकिन वहां मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट को ही नहीं दूंगा, लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट आया, जो ये बीजेपी गवर्नमेंट किया या कांग्रेस गवर्नमेंट किया या सेंट्रल गवर्नमेंट किया, मैं उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन पे जो डेवलपमेंट हुआ, अभी मैं सुन रहा था हमारा वक्ता को, जिस तरीके का डेवलपमेंट दांतीवाड़ा में हुआ है उसमें नक्सलाइट जो है वो कोप में आ गया है, क्योंकि वहां कम्युनिकेशन का प्रोग्रेस हो रहा है, दोनों कम्युनिकेशन का, रोड कम्युनिकेशन प्लस वायरलेस कम्युनिकेशन, एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ड्रोन कम्युनिकेशन, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोलना और हॉस्पिटल खोलना, और उसके बाद पावर सप्लाई क्या देन, एंड सबसे अच्छा है कि जो हमारे ट्राइबल्स हैं उस एरिया का, वो पूरे के ट्राइबल्स को जो है वो सातवीं क्लास जो पास किए हैं उनको पैरामिलिट्री फोर्स में सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी इनमें भर्ती किया गया है, और उनको ट्रेनिंग, और उसके साथ साथ इंडिया रिजर्व बटालियन खोल करके उन्हीं एरिया का जो जो लड़के युवती और युवक और युवती वहां पर रिक्रूट हुए थे उनको उसी एरिया में ट्रेन करके उन्हीं के खिलाफ लगा गया। उनको पता है कि ये अंतिम क्षण आया है, और ये झटका तो दिया है, मैं जानता हूं, जब ये 3-4 महीना कभी कुछ काम जब चुपचाप रहा, शांति रहा, मेरे को पता था कि कोई ना कोई बड़ा आशंका था कि बड़ा इंसिडेंट होने वाला है, ये जरूर है, और ये होने वाला था और हुआ। मैं बताता हूं इसमें, क्योंकि रिटर्न में जब कोई ऑपरेशन में जाते हैं और पता है कि उसी रूट में आना है, एक तो आरोपी के टाइम पर, एक या रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ड्रोन का अगर इस्तेमाल पहले हो रहा था तो अभी क्यों नहीं हुआ, ये तो एसओपी में पता लग गया व्हाई ड्रोन वॉज नॉट यूज। मैं एसओपी समझूंगा मिश्रा जी, मैं समझूंगा कि एसओपी क्या होती है जब ट्रुप का मूवमेंट होता है, क्या एसओपी होती है, क्योंकि मिश्रा जी उसको जानते हैं, समझते हैं, उसके बारे में उस पर काम कर चुके हैं, लिख चुके हैं। लेकिन इसी बीच नरेश गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात, ये बहुत दर्दनाक घटना है, इस पर हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, और मृतक परिवारों को हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, और ये राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और इस पर शासन को आज निर्णय लेना होगा, इस छत्तीसगढ़ सरकार को, कि अब इनसे डायलॉग नहीं, अब इनसे 1-to-1 फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो इनफ से बाहर हो गई सारी चीजें। आप हमको 1-to-1 उनको मैन हैंडलिंग, और जो ये जिस भाषा को समझते हैं नक्सली, उसी भाषा में जवाब देना होगा। और भारत सरकार आज उनको कहती है, आज अमित शाह जी ने जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनका भी आज स्टेटमेंट आ गया कि हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सरकार को आज निर्णय लेने का समय आ गया है, और दिस इज हाई टाइम, इसी समय पर आप निर्णय लेते हैं, अदरवाइज जब समस्याएं समाप्त कुछ लूप लाइन में चली जाती है तो फिर रह जाती है। तो मेरा आज मुख्यमंत्री जी से और इस शासन से अनुरोध है कि आज फाइटिंग का निर्णय ले कि वी विल नॉट स्पेयर अ सिंगल मिनट, सिंगल पैसा ऑफ लैंड टू देम।
ये निर्णय होना चाहिए। ठीक है, मैं बात करूंगा अनुमा जी से, अनुमा जी के पास इस मुद्दे को ले जाऊंगा। लेकिन अरुण साहब साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं, वो खुद मेरे साथ जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ इसी साल जो है चुनाव के अंदर जाने वाला है, अक्टूबर नवंबर के अंदर। अरुण साहब, आपको आपसे समझना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान थे, छत्तीसगढ़िया थे, सबसे बढ़िया थे, तो ऐसा ये जो घटना हुई है इसको कैसी देखती है आपकी पार्टी? साहब साहब आपका ऑडियो बंद है, ऑडियो चालू कर दीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि अब संपर्क उनसे कट गया है, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लग रहा है वो कार में गई ट्रैवल कर रहे हैं। और अनुमा जी, क्या कहेंगी आप बीजेपी नेता नरेश गुप्ता की बात पर कि बात से नहीं अब बंदूक से ही काम चल पाएगा, इन नगर नक्सलियों को पूरी तरह जड़ से नाश करना है, तो क्या कहेंगी आप उनकी बात पर? पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि इस जगह पर सीआरपीएफ भी और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड भी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही जो हम उनका बयान सुनते हैं कि एक तरह से आरोप करने वाला, इस समय शहादत हुई है। ये समय नहीं होता है कि जब हम इस तरह की राजनीतिक बात करें। वैसे भी जिस तरह का पैटर्न रहा है, अगर आप देखेंगे तो मार्च और मई के बीच में ही इस तरह के ज्यादातर हमले मार्क्सवादी लोग अंजाम देते हैं, क्योंकि शायद ये वक्त है मानसून के पहले का। मानसून के बाद तो शायद इनको लगता है कि जो भी रहता है, हम जितने भी अभी पैटर्न आप देखेंगे तो आपको मार्च में एक बहुत दुर्दांत हमला दिखेगा, 72 उसमें जवान 2010 में शहीद हुए थे हमारे। तो ये चीजें जो है इनको, वैसे भी भूपेश बघेल की सरकार जो है जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है, लेकिन जब हमने ये देखा कि ये लोग उसी मुहिम पर गए थे और उसी मुहिम में जाते हुए ये आईडी का अटैक हुआ है उनके ऊपर, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार, क्योंकि सरकार और जवान और सब इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं। बस्तर में इस समय सड़क बन रही है, बस्तर में इस समय संचार सुधर रहा है, जिससे प्रॉब्लम होती है नक्सलाइट्स को, जो आंध्र प्रदेश की बॉर्डर भी क्रॉस करके आते हैं, ओडिशा की भी क्रॉस करके आते हैं, झारखंड के भी आते हैं। और आपने अगर देखा हो, का ध्यान गया हो, तो जो आंध्र प्रदेश की बॉर्डर से ज्यादातर इनका आना होता है छत्तीसगढ़ में, पर ना तो केवल भूपेश बघेल जी की सरकार और सीआरपीएफ, हम दोनों को ही ये नहीं कह सकते कि हमारे जो शहीद उनके जो कार्डर हैं, जो सीआरपीएफ है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन ये दुर्दांत घटना हो गई है और अब हमारा ये कर्तव्य है, जैसा कि भूपेश बघेल जी ने कहा है कि इस ये अपनी लड़ाई अंतिम दौर में है और अब किसी को बख्शा भी नहीं, पहले भी नहीं बख्शा जा रहा था, हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया अप्रैल में ही ये सुकमा में दो नक्सली पकड़े गए थे, बहुत सारा असलाह पकड़ा गया था, उसके बाद भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। और अमित शाह जी भी अभी एक महीना नहीं हुआ है उनको आके, ऑलमोस्ट एक ही महीना हुआ है, तो जो हालात थे वो बेहतर हो रहे थे। और इस वक्त यही है कि सब इकट्ठा मिलकर काम करें। अगर ये वामपंथी है तो, अगर ये केवल लोकल नक्सलाइट है तो, ये जो भी है ये, लेकिन स्टेट के खिलाफ लोग हैं और इनको साथ मिलके ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से नरेश जी के पास चलता हूँ। नरेश जी, अनुमा जी ने बड़ी गरिमा के साथ अपनी बात कही और उनका ये कहना है कि भाई हम तो फाइट कर ही रहे हैं और स्टेट को, सेंटर को, सबको मिलके फाइट करना पड़ेगा, तो इसमें आप की थोड़ा सॉफ्ट हैंडल कर रही है भूपेश बघेल, ये तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? मैंने अभी तक, दीपक जी, मैं कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दिया या सरकार का फेलवर कहा, जिस रूप में अनुपमा जी इसको ले रही हैं, मैं तो बहुत क्लियर कहा कि इट इज द राइट टाइम टू गवर्नमेंट विल चूज कि वी विल फाइट विद देम, ये मेरा एक बहुत क्लियर स्टैंड। मैं कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ ना पॉलिटिकल माइलेज की बात कर रहा हूँ, मैं तो आज चाहता हूँ कि आज शहादत हुई है इतने इतने हमारे जवानों की, तो आज सरकार को यह निर्णय ले लेना चाहिए कि इस पर या उस पर। सरकार जो अब मैं अनुपमा आचार्य मैडम ने जो बोल दिया वो तो मुझे कंपेल कर रही है उस ओर को ले जाने का, मैं इस पर कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहता था, लेकिन अब उन्होंने मुझे कंपेल किया। सरकार बोलती है हम उनसे डायलॉग करेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन, अब डायलॉग क्या करेंगे? आज इतनी बड़ी घटना हो गई, अब लीजिए इन्होंने मुझे पॉलिटिकल बयान का आरोप लगाया ना, आज मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे उनके ट्विटर हैंडल को देखिए, इस घटना के साथ ही साथ, बहुत दुर्भाग्यजनक बात है, बहुत पीड़ादायक बात है, इस घटना के समय भी मुख्यमंत्री जी कहां आएंगे इससे,
मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ये राजनीतिक भाषण शैली की बात मिसेस मैडम आचार्य जो कर रही थी, मैंने कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया, मैंने इस प्रदेश की जनता के हितों के लिए नक्सलियों के समापन की बात की। यदि यह बात करना राजनीतिक भाषा है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। यदि नक्सलियों का आपने कहा मुख्यमंत्री, अरे भाई हमारा दर्शक तो ट्विटर नहीं देखता ना, आप बता दीजिए क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री। आप देखिएगा, आप देखिए ट्विटर हैंडल पे देखिए और सारे मैसेज देखिए, जिस समय यह घटना हुई मुख्यमंत्री जी कहां है साइन पे, कहां है बता दीजिए ना हमारे दर्शकों को नरेश गुप्ता जी। यह दुर्भाग्यजनक बात है, मैं कह रहा हूं कहां थे मुख्यमंत्री जी। मुझे राजनीतिक बयान देने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता ने कंपेल किया, मैंने कोई दीपक जी मैंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया था, मैंने ये कहा कि अब समय आ गया कि नक्सलियों को समझ नहीं रहे आप, जरूर से समाप्त करना चाहिए। एक शिगुफा छोड़ा मुख्यमंत्री कहां थे उनकी ट्विटर की टाइमलाइन पर देख लीजिए, मुझे बता दीजिए ना कहां थे वो, दर्शकों को बता दीजिए। आप देखिए उनके ट्विटर हैंडल में उन्होंने क्या मैसेज डाला है, ठीक किस प्रोग्राम में थे, अरे तो बता दीजिए ना आप। अब वो तो इसी सिस्टम पे बड़ा हुआ है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ठीक है, इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं हनुमा आचार्य जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रायपुर नक्सली हमले के बाद एक्शन हुआ है, एक्शन क्या हुआ है, पुलिस हेडक्वार्टर में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष मुझे बताइए कौन ले रहा है बैठक, और सरकार की इस पूरी हमले से निपटने के बाद आईईडी ब्लास्ट के बाद क्या रणनीति है। जी बिल्कुल, देखिए दीपक जी इस वक्त रायपुर में जो छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्यालय है उसमें बैठक हो रही है, और खास तौर पर एक कॉन्फ्रेंस रूप में जो तमाम सीआरपीएफ से जुड़े जो ऑफिसर्स हैं, स्टेट पुलिस से जुड़े ऑफिसर्स हैं और वहां के जो पुलिस हेड हैं, वो सारे लोग इस वक्त बैठक ले रहे हैं और सिचुएशन का असेसमेंट किया जा रहा है, ये पता किया जा रहा है कि ये हमला कैसे हुआ और इस वक्त आगे किस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो पूरी कार्रवाई चल रही है उसको अंजाम देना है, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और काफ़ी फोर्सेज अभी रास्ते में हैं, कुछ फोर्सेज उस जगह पहुँच गई हैं जिस जगह पर नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस की गाड़ी को उड़ाया था आईडी से, लेकिन कई अभी जो फोर्सेस हैं वो रास्ते में हैं, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नक्सली इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि उनको मालूम है कि जब वो कोई घटना को अंजाम देंगे तो रीइन्फोर्समेंट आएगी, और उस रास्ते में भी वो आईडीज बिछाते हैं, कई बार एम्बुश लगाते हैं, तो ये एक बड़ा जटिल इस वक्त पूरा प्रोसेस है। दूसरी बड़ी बात, होम मिनिस्ट्री से लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो संपर्क में है, क्योंकि सीआरपीएफ वहाँ पर डिप्लॉय है और खुद गृह मंत्री लगातार इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। जो जानकारी दी गई है इस वक्त होम मिनिस्ट्री को, उसमें बताया गया है कि ये गाड़ी जो छत्तीसगढ़ पुलिस की थी वो आईडीज के नीचे आ गई, प्रेशर बम का इस्तेमाल हुआ था, और दो सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है कि अटैक क्यों हुआ था। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि पिछले महीने फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीआरपीएफ ने रेजिंग डे मनाया था, अपना स्थापना दिवस, कोर नक्सल एरिया में नक्सली से बौखलाए हुए थे। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से खुद अमित शाह सुकमा के एक फॉरवर्ड जो सीआरपीएफ का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है वहाँ वो रुके थे, उसको लेकर के भी नक्सल अपने आप को नक्सली चैलेंज मांग रहे थे और अपने प्रेजेंस को उन्होंने दिखाने के लिए इस तरीके से कार्रवाई की है। लेकिन फिलहाल अगर हम सिर्फ मीटिंग की बात करें तो लगातार उसमें सीनियर पुलिस के ऑफिसर जो है, जो पुलिस के ऑपरेशन के अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के जो ऑपरेशन के अधिकारी हैं, और खास तौर पर तमाम जो वहाँ पर किस तरीके से मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, सर्विलांस सिस्टम है, उसकी मदद ली जा सकती है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या उन्होंने कोई फोन पर बात की, उनके लीडर्स कौन है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके खिलाफ ऑपरेशन करना, ये इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। इसके साथ ही जो जवान जो घायल हुए हैं उनको किस तरीके से, उनकी सिचुएशन क्या है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। ठीक है दीपक जी, मनीष बने रहिए आप हमारे साथ, मैं चाहूंगा आप इस पूरी बहस के दौरान बने रहे। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, भूपेश बघेल सरकार की क्या रणनीति है पिछले 4.5 साल में, अब तो चुनाव आने जा रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ अब तक कैसा अप्रोच रहा है भूपेश बघेल सरकार का नक्सलियों के खिलाफ? हाँ मनीष, आपसे ये सवाल है, क्या अप्रोच रहा है सरकार का, ग्राउंड पर क्या है बताइए। देखिए अगर जी हाँ बिल्कुल, देखिए मैं अभी पिछले 15 दिन पहले भी उसी जगह पर गया था, उसी दंतेवाड़ा में गया था,
जहां पर एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। और अगर हम नक्सल की बात करें तो सभी ये मानते हैं कि स्टेट और सेंटर इस मामले में मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं और सभी को मालूम है कि ये जो नक्सल है ये बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन सबसे पहले क्या चैलेंज होता था दीपक जी, आप जानते हैं कि नक्सली जो है किसी एक स्टेट में नहीं है, अगर आप देखें तेलंगाना में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में है, एक स्टेट में जब ऑपरेशन होता है तो वो दूसरे स्टेट में भाग जाते हैं। तो उसके लिए एक बड़ी खास स्ट्रेटजी बनाई गई FOB की, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की। पिछले 5-6 महीनों से ये स्ट्रेटजी अगर आप देखें तो झारखंड में बड़ी कामयाब हुई है और छत्तीसगढ़ में भी, कि CRPF और स्टेट पुलिस के जवान कोर जंगल के एरिया में जाकर के बैठ जाते हैं, नक्सलियों का मूवमेंट रुक जाता है। दूसरी बड़ी बात, सैटेलाइट से भी काफ़ी मदद ली जा रही है जंगल के इलाके में, किसी अनजान इलाके में जहां आबादी नहीं है, जहां पर धुआं उठ रहा है तो ये जाहिर है समझा जाता है कि कोई खाना बना रहा है, और अगर कोई आबादी वहां पर नहीं है तो फिर वो कौन हो सकता है, उनकी बाकायदा बारीकी से एनालिसिस किया जाता है पिक्चर की। और अगर उनके पास गन होते हैं या उनके ऊपर और जो ग्राउंड पर इंटेलिजेंस होते हैं उसके बेस पर कार्रवाई की जाती है। तो नक्सलियों में हड़कंप है, जो उनके PLGA है, जो मेन जो उनकी अपनी आर्मी है नक्सलियों की, वो सिकुड़ती जा रही है। और लगातार ये बात महसूस की जा रही थी कि जिस लेवल पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C60 जो उनकी जो कमांडो फोर्स स्टेट पुलिस की, या फिर यह बात करें कि तेलंगाना की जो स्पेशल फोर्स है ग्रे हंट, वो जिस तरीके से ऑपरेशन कर रहे थे, नक्सलियों को ये लग रहा था कि अब उनके लिए बचना मुश्किल है। और यही वो तरीका है कि जहां उन्होंने ऑफेंसिव अपने आप को उन्होंने किया है। लेकिन यहां ये भी आप देखें कि खुद जानते हैं आप इस बात को कि पहले 2-4 साल पहले नक्सली किस संख्या में आते थे, एम्बुश लगाते थे, गाड़ियों को बम से उड़ाते थे, उसके बाद घेरते थे, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते थे, उनके गन लेकर जाते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जिन जवानों को उन्होंने मारा उनको उन्होंने छोड़ा, और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला उनके पेट के अंदर उन्होंने IDs रखी थी। तो इस लेवल पर मैसिव प्लानिंग वो करके आते हैं। लेकिन इस बार जो अटैक हुआ है, नक्सली रुके नहीं हैं, उन्होंने प्रेशर बम का इस्तेमाल किया गाड़ी पर, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद वो निकल भागे हैं। तो ये एक दिखाता है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ अब उस लेवल का नहीं है। लेकिन अगर आपने बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की और सेंटर की, तो कम से कम जब भी मैंने अधिकारियों से बात की, जानने की कोशिश की कि क्या ऐसा तो नहीं कि कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो सभी ने कहा कि हम मिलकर के काम कर रहे हैं इस मामले में। बहुत बहुत अच्छा, अच्छी जानकारी दी मनीष आपने। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ अरुण साहब साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर पहले हमने उनसे जुड़ने की कोशिश की थी लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत थी। साहब साहब, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो राज्य इस साल ही चुनाव में जाने वाला है, उसकी हैसियत से आपको पूछता हूं, इस हमले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आज के इस दुर्भाग्यजनक घटना में हमने छत्तीसगढ़ महतारी के अपने 11 बेटों को खोया है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, बहुत दर्दनाक और बहुत विभत्स ये दृश्य दिख रहा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के 11 बेटों का शहादत व्यर्थ न जाए, इसके लिए एकजुट होकर पूरी ताकत से आज काम करने की जरूरत है। प्रकार से हमारी सरकार ने सरगुजा में शांति व्यवस्था कायम की है, बस्तर में भी उसी तरह की शांति व्यवस्था हो, ये आज हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में तो काम करने को अभी माननीय गृह मंत्री जी का स्वयं बस्तर आगमन हुआ था, पर जब राज्य मंत्री बार बार कहे हमने नक्सलियों को पीछे खदेड़ दिया है, नियंत्रित कर दिया है, और उसके बाद भी लगातार घटनाएं हो रही है, तो ये सोचने का विषय है कि सरकार कितनी गंभीर है इस विषय को लेकर। तो क्या साहब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नक्सलियों के हैंडलिंग में गड़बड़ी कर रही है, क्या यह राजनीतिक आरोप है आपका? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने इन 11 महतारी के बेटों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पर इस बात को आज ये कहना चाह रहा हूं कि आज की घटना से जागना चाहिए और जागकर आगे की रणनीति बनाकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि बस्तर में भी शांति व्यवस्था बहाल हो। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं, जागने की जरूरत है? तो क्या सो रही है सरकार, ये आरोप लगा रहे हैं? लगातार घटनाएं घट रही है, इस
पूरी शिद्दत के साथ पूरी गंभीरता से इस विषय को लेने की जरूरत है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब सरकार को जागना चाहिए, पूरी शिद्दत से काम करना चाहिए, तो क्या शिद्दत से काम नहीं किया भूपेश बघेल की सरकार ने? अरुण साहब ये कह रहे हैं जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही है, अभी थोड़े दिन पहले ही बीजापुर के विधायक के काफिले पर हमला हुआ था, कुछ दिन पहले जनवरी के महीने में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या की गई थी। घटनाएं तो लगातार हो रही है दीपक की, इसलिए मेरा कहना है कि पूरी गंभीरता से इस विषय को लेने की जरूरत है। ठीक है, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हमारे पास कांग्रेस की तरफ से, अरुण साहब आपका सवाल मैं उन्हीं के पास ले जाता हूं। अनुमा जी क्या कहेंगी, क्या पूरी गंभीरता से नहीं ले रही भूपेश बघेल सरकार? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, आपको भी पता है अगले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होने वाला है, तो राजनीतिक सरगर्मियां वहां पर बढ़ चुकी है। अनुमा जी क्या कहेंगी आप? दीपक जी, पहले तो नरेश जी की मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी। भूपेश बघेल जी की टाइमलाइन ये रही, इसमें तीन ट्वीट हैं। एक में उन्होंने बताया है कि आज दिन भर मैं बूढ़ा परा के अपने ही लोगों के बीच में रहूंगा दिन भर, वो 7 घंटे पहले की ट्वीट है। उसके बाद एक ट्वीट है जो उन्होंने 2 घंटे पहले वहीं से ही की होगी, मैं ऐसा मानती हूँ, जिस जगह पे वो गए बूढ़ा परा रायपुर का, जो दक्षिणी रायपुर है वो जगह, तो वहां से उन्होंने उसके घटना के 2 घंटे पहले की ट्वीट है उनकी, कि जिसमें उन्होंने उन बच्चों से बात करते हुए की। और तीसरी ट्वीट उन्होंने सीधे 1 घंटे के बाद का डिफरेंस है। तो नरेश गुप्ता जी, यहाँ इतनी इतनी भीषण घटना के बाद सरकार के तरफ रहने के बजाय, क्योंकि जो सरकारें हैं जब से केंद्र के लेवल पे, और जैसे आपके बहुत ही, मैं कहूंगी आपके सराहनीय, आपके जो रिपोर्टर थे शुक्ला जी, मनीष शुक्ला या जो भी उनका नाम था, मेरे ख्याल से मनीष शुक्ला ही था, उन्होंने कितने अच्छे से उन्होंने सारी बातें बताई, और वो निष्पक्ष हैं, जैसे आपके चैनल में सभी लोग जिस तरह से बात करते हैं। लेकिन इस घटना पर भी आज जब हमारे जवानों की शहादत हुई है, उस समय इस तरह की राजनीति बहुत घटिया बात है, और भूपेश बघेल जी के नाम पर करना और भी खराब बात है, क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपफ्रंट खड़े होकर ये कहा है, और ये बात सभी मान रहे हैं कि पहले जो होता था, आपके आपके जो रिपोर्टर ने भी बताया कि किस तरह से पहले वो लोगों के इवन जो डेथ हो जाती थी या जिनको हॉस्पिटल ले जाना जाता था उनके में भी IED लगा के चले जाते थे, लेकिन आज उनके पास सब कम है, उनका धीरे धीरे रिसोर्सेस जो है वो सूख रहे हैं। तो ये सब अपने आप में कामयाबी है, ना केवल DRG की, CRPF की भी, और हम जो सेनाओं से या हम सशस्त्र सीमा बलों से या सशस्त्र सेनाओं से पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, हम देश, चाहे हम राजनीतिक कोई भी प्रतिबद्धता रहे, हम पर बात देश की करते हैं, तो मैं ये बात बहुत साफ कहूंगी कि इस समय ओछी राजनीति छोड़कर एक तो अपने जवानों की शहादत को सलाम करें, उनके परिवारों के पास अगर हो सके तो सांत्वना देने जाएं, और तीसरी चीज सरकार के जो सब प्रयास हैं जो कि बंद के हो रहे हैं, और इसी के कारण 85वां जो उनका ये मनाया जा चुका था, जो रेजिंग डे मनाया गया CRPF का, वो अपने आप में एक मिसाल थी कि वहां पे कम हो रही थी ये घटनाएं, लेकिन हमें हमेशा सतर्कता के मोड में रहना है, यही ये घटना। नरेश गुप्ता जी क्या कहेंगे आप? अनुमा जी कह रही है कि ऐसे दिन आप ओछी राजनीति कर रहे हैं भूपेश बघेल जी पर आरोप लगा के। ओछी राजनीति की शुरुआत किसने की? और जब काउंटर अटैक होता है तो बौखलाहट होती है। मैंने कहा अब समय आ गया है सरकार को नक्सलियों को जड़ से खत्म करना है, उनको अटैक करना है, फिजिकल अटैक करना है। तो यह टाइम बता रहे थे और मैंने आपको ट्विटर की टाइम समझाई है, आप सब बोल रही थी तो मैंने एक शब्द नहीं बोला। ओछी राजनीति कर रहे थे वही मैं आपको बता रही हूं। अच्छा जी, सुन लेते हैं उनकी बात, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लेते हैं। देखिए, इसके पहले भी आपने यही शब्द कहा था जब मैंने नक्सलियों को 1-to-1 अटैक करने की बात करी थी, इनफ इज इनफ ये मैंने कहा था, तब भी आपने कहा था यह राजनीति है। तो यदि यह शब्द राजनीति है तो ऐसी राजनीति हम 1000 बार करेंगे, 1,000,000 बार करेंगे, डरेंगे नहीं। जो नक्सली हमारे जवानों को मारेंगे क्या उनसे हम डायलॉग करना चाहेंगे? आपको मैं वो भी दिखाऊंगा टाइमलाइन, आप टाइमलाइन को मैं आपको भी दिखाऊंगा, बट आप उनके खिलाफ 1-to-1 हैंडल करना चाहते हैं कि नहीं। शहादत के समय भी आप यह बैकफुट पे कर रहे हैं, जो जवान हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, उनके न्यौछावर दिवस पर भी आप ये बात नहीं करना चाहते
यहाँ उनके शहादत को हम नहीं जाने देंगे। इनके शहादत के लिए जवाबदार जिन लोगों ने इनकी इनकी हत्या की, इनकी जान ली है, उनके खिलाफ भी हम वही एक्शन लेंगे। यह बोलने का भी मादा कांग्रेस प्रवक्ता में नहीं है। यह शब्द जब कोई बोलता है उस पर राजनीति बोलते हैं। यह कौन सा स्तर है, यह राजनीति का कौन सा स्तर आ गया जब हमारे जवान शहीद हों और उनको उनके आक्रमण करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग हम करें तो वो आपत्तिजनक है, वो राजनीतिक बयानबाजी हो गया। शर्म करें, आपने गलत बात बोली है। ये देखिए टाइमलाइन। अरे आपको हम टाइमलाइन और दिखाएंगे, ये तो टाइमलाइन की बात करें। आज आपने इसी की बात की, आपने शुरुआत की है। आप बात का अनुमान गलत बात है, गलत बात को माना नहीं जा सकता नरेश जी। इतना जो मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि वो किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, ये मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से कहा है, तो आप इस तरह की अच्छी बातें ना करें। तो मैंने उस बात को रिपीट किया है तो वो पॉलिटिकल स्टंट कैसे हुआ, वो पॉलिटिकल बयानबाजी कैसे हो? यदि मैं बोल रहा हूं उनको छोड़ना नहीं है, सरकार यह निर्णय ले ले, मैं तो नहीं बोल रहा हूं सरकार निर्णय नहीं ली है, तो वो कैसे राजनीतिक बयानबाजी हो गई? आप मुझे स्पष्ट करिए। आपने ट्विटर की टाइमलाइन की बात की थी, आपको मैंने दिखा दिया, उसी चीज को दिखा दिया मैंने आपको, और आपकी बात गलत है। और जो मुख्यमंत्री ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आखिरी दौर में है लड़ाई। देखिए आपको मैं इसीलिए देखिए, आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जवानों की शहादत हुई है, तो गलत बयानी ना करके हम सब एक साथ खड़े हो और इस नक्सलाइट के जो आखिरी इस लड़ाई का जो आखिरी दौर है उसमें सबका साथ दीजिए, झूठ मत बोलिए। ठीक है, मैं नरेश गुप्ता जी से और नक्सलियों को अटैक करना, राज्य की मांग करना, ये राजनीतिक भाषा है। टाइमलाइन आपको दिखा रहा हूं मैं आपको। आप कह रहे थे ये टाइमलाइन ये है और पिछले सात घंटों की टाइमलाइन है, ये आपको वहां भी दिखा रहा हूँ। दीपक जी आपसे अनुरोध है, आपको मैं वो दिखा रहा हूँ, आज की बात कर रही हूँ। लेकिन अनुपा जी से इस बात की जानकारी दीजिए, नक्सलियों के ऊपर काउंटर अटैक करना, मांग करना, क्या ये राजनीतिक, ये राजनीतिक भाषा है? अब मुझे बताइए इसका मतलब ये है कि कांग्रेस स्वयं कर अटैक करने वालों को समर्थन देना चाहती है? अच्छी बात तो ये होती कि उस बात की सराहना करके आप अच्छा जी, अनुमा जी दोनों एक मिनट के लिए रुक जाइए, मैं एक एक्सपर्ट कमेंट आर के सिंह साहब का लेता हूँ। सीआरपीएफ में रहे हैं, सीआरपीएफ के एक्स आईजी हैं। सिंह साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मोडस ऑपरेंडी क्या होती है? भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि आखिरी दौर में है अब नक्सल समस्या, क्या ऐसा वाकई में है? हाल ही में गृहमंत्री जी ने रेजिंग डे बनाया सीआरपीएफ का वहां पर जाकर। नहीं दीपक जी, आप ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का तूतू मैमे है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। हमारी फोर्सेस बहुत गंभीरता से और बहुत मुस्तैदी से अपना काम कर रही हैं। ये नुकसान तो इस जिस काम में हम लगे हैं उसमें नुकसान तो होता है, हम अपने शहीदों को सलाम करते हैं, लेकिन उस बात को पॉलिटिकल इशू बनाना ये बेवकूफी की बातें हैं। हमारे लोग काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं जा रहे वहां काम करने, और जो हमारी सेंटर में सरकार है वो इच्छाबद्ध है, उसकी इतनी स्ट्रांग विल है कि वो छोड़ेगी नहीं इनको, और वहां पर सेंट्रल फोर्सेस और सिविल पुलिस सब मिलके काम कर रहे हैं, तो इसमें किसी पर दोष देना ये सही नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने जो कहा वो अपनी जिम्मेवारी का ध्यान करके करते हैं, होम मिनिस्टर ने डायरेक्ट उनसे बात की है और आश्वासन दिया है कि सेंट्रल फोर्सेस की जो भी जरूरत होगी वो उसको पूरा करेंगे। हम लोग जरूर नक्सलिज्म को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है। हम जानते हैं कि हमने किस तरह से नक्सलिज्म को पिछले 10 साल में फेस किया है और धीरे 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 वो खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंसिडेंट्स तो देखिए जब तक 10 लोग भी नक्सलिज्म के नक्सलाइट्स होंगे तो वो कुछ ना कुछ तो हरकत करेंगे ही, और जब उनको मौका मिलता है, हमारी भी कुछ कमजोरियां रही हैं, तभी हम ऐसा हादसा होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? इंसान गलती करके ही सीखता है, तो गलती को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे का रास्ता अपना बना पाएंगे। तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हमारी गलती कहाँ हुई और आइंदा न हो। सेकेंडली जो सबसे बड़ा काम है
वो होम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर से बात करके कह दिया है कि हम लोग मिलजुल के इनका खात्मा करेंगे, जो लोग जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको छोड़ेंगे नहीं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इच्छा शक्ति है उसको आप समझ के आइए कि जिस तरह से यूपी में आपने देखा कि जो माफिया थे उनको जमीन में गाड़ दिया जा रहा है, तो इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट से छत्तीसगढ़ में इन लोगों को गाड़ दिया जाएगा, इसमें कोई तो राय नहीं है। ठीक है सिंह साहब, आपने बताया, मैं एसओपी के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन फिर से एक बार अनुमाचार्य जी के पास चलते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की और साथ ही साथ नरेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं छत्तीसगढ़ के। नरेश जी बता तो दीजिए, आप बताना क्या चाह रहे थे भूपेश बघेल जी के बारे में, क्या ट्विटर की टाइम लाइन? मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं जा रही है, मैं तब तक पी के मिस्टर साहब के पास चलता हूँ, एक्स एडीजी हैं बीएसएफ के, काउंटर इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा मिस्टर जी, एसओपी क्या होती है जब इस तरह के इलाकों में जब हमारे जवान ट्रैवल करते हैं या एक कॉम्बिंग ऑपरेशन खत्म करके दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, एसओपी क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? ये जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये हर एक इलाका के लिए अलग अलग बनाया जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो है फील्ड का टैक्टिक्स डिपेंड करेगा फील्ड का टेरेन के ऊपर, उस टेरेन में कितना इंसिडेंट पहले हुआ है और कौन सा ग्रुप वहां पर काम करता है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, और हमारा ट्रूप्स का पोजिशनिंग क्या है, उनका बेस कैंप्स क्या है, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस कहां पर है, हमारा कम्युनिकेशन का साधन क्या है, हमारा एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन है या नहीं, और एक ऑपरेशन अगर हो रहा है तो उसके साथ कम्युनिकेशन हम कहां कहां पर रखेंगे, अगर हम बाय रोड कर रहे हैं तो क्या हम रोड ओपनिंग पार्टी भेज रहे हैं या नहीं, और अगर रोड ओपनिंग पार्टी भेज रहे हैं क्या दोनों साइड का जो एरिया है, दोनों साइड का एक एक किलोमीटर का एरिया हम क्लियर करते हैं और या उसको कवर करते हैं या नहीं, वेदर स्टैटिक कवरेज हो रहा है या मोबाइल कवरेज हो रहा है, और दूसरा जो टीम ऑपरेशन में जाता है वो टीम का जो रिटर्न रूट है कभी भी उस एरिया में नहीं होगा, और मोस्टली बस्तर में इस एरिया को कभी भी गाड़ी में व्हीकल का मूवमेंट नहीं किया जाता है। इसके बाद जो है एडिशन हुआ, इस टाइप का अगर इंफॉर्मेशन आपके पास मिलता है इस टाइप का ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो ड्रोन्स में उसके ऊपर कवर किया जाता है ताकि कॉन्टैक्ट रहता है ड्रोन टू ग्राउंड, सो दैट यू विल कम टू नो द लोकेशन एंड मोडस ऑपरेंडी एंड डिस्पोजिशन ऑफ नक्सलाइट्स एंड देयर ग्रुप्स, व्हिच वाज नॉट देयर जब वहां पर हुआ था बस्तर में दरबाघाटी इंसिडेंट हुआ था बीसी शुक्ला जी के साथ, वहां मैंने दरबाघाटी में गया था, वो टाइम अलग था। अभी जो है टेक्निकलिटी बहुत बढ़ चुका है, ये एसओपी में जो है न्यू ऑपरेशनल टैक्टिक्स को ऐड किया गया है, उसको मद्देनजर रख करके बनाया गया है, तो इसलिए अभी मैं ये देखना चाहता हूँ इसमें डेफिनेट। लेकिन ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी, लगातार जो नक्सलियों पे दबाव हम लोग डाल रहे हैं और उसके कारण से बखलाक इस प्रकार से कायराना हरकत की है और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। अमित शाह से भी बात हुई, अमित शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई मेरी, और अभी खड़गे जी साहब से भी मेरी बात हुई। तो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि उनकी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी बात हुई है, गृहमंत्री अमित शाह जी से भी बात हुई है, और कहा है कि उन्होंने, उनका कहना है, जोर देकर उन्होंने इस बात को कहा है कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सीधे चलता हूं, मैंने पीके मिश्रा जी से सुना कि कैसा एसओपी होता है जब जाते हैं, जहां ऑपरेशन करके जाते हैं वापस में सेम रूट का इस्तेमाल नहीं करते, कई सारी बात उन्होंने कही। लेकिन इसी बीच वापस चलते हैं, नरेश गुप्ता जी छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता और अनुमा आचार्य जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की। नरेश गुप्ता, क्या पहलुओं में बात कर रहे थे आप, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी? बता रहा हूं आपको, एक बीपीआर ने फोटो इस घटना के एक घंटे बाद रिलीज किया, ये फोटो डीपीआर ने रिलीज किया एक घंटे बाद। कार्यक्रम कब का हो, डीपीआर ने किस समय फोटो रिलीज करना चाहिए, ये भी समझ होना चाहिए सरकार पे। ये फोटो रिलीज किया डीपीआर ने और ये फोटो बाद में डिलीट कर दिया गया। क्या क्या फोटो है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। अब वो दिखाई, अब मैं कैसे दिखाऊंगा, ये फोटो है, वो कहीं खाना खा रहे हैं भूपेश जी, वो फोटो है, ये डीपीआर ने रिलीज किया इसको घटना तो के एक घंटे बाद।
क्या क्या पॉइंट कहना चाहते हैं आप? मैं बता रहा हूं कि ये कौन सा फोटो सरकार रिलीज कर रही है, किस समय में, कौन सा, कैसे ना, यदि ये राजनीति, यदि वे मांग करना कि अब नक्सलियों को वन टू वन करके खत्म किया जाए, ये स्टेटमेंट इज इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट? मैं बोला आज शहादत दिवस है, आज इनकी शहीद हुई है, उस डेट पे सरकार को ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि अब इनको उखाड़ के फेंक देंगे। इज इट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीपक जी? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है मेरा? किसी भी राजनीतिक दल का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है क्या दीपक जी? ठीक है अनुमा जी, बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए ये भूल जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि मुख्यमंत्री ने भाषण क्या दिया, इसने क्या निकाला, उसने क्या निकाला। तो आपको बता दूं कि जिस समय पुलवामा हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री शूटिंग करा रहे थे, छोड़ के नहीं आए थे। अगर आप इस तरह की भद्दी बातें करेंगे तो ये बात कहने में आती है, फ्रॉड से नहीं हूं। भद्दी बातों की शुरुआत आपने किया मैडम। मेरा ये कहना है कि मैं उसका काउंटर अटैक करने की मांग करूं, तो काउंटर अटैक की मांग करना क्या राजनीतिक बयानबाजी है? आप किस लेवल पर बात करती हैं? तेजना ये मेरे जवानों का शहादत हो और आवाज एक सीआरपीएफ के हैं, दो दूसरे डीजीपी बैठे हैं, उन सब उपस्थिति में उत्तेजना मतलब एक संजीदा बहस में जहां तीन डीजीपी, पूर्व डीजीपी बैठे हैं, एक सीआरपीएफ के भी हैं, ऐसे में और जबकि मुख्यमंत्री का बयान हमने सुना, एक ऐसा नरेटिव लेकर आना कि वो कहीं खाना खा रहे हैं और डीपीआर ने इसकी फोटो आज रिलीज की, भाई डीपीआर ने करी होगी रिलीज, आप तो मुख्यमंत्री के बयान पर जाइए, आप तो मुख्यमंत्री के एक्शन पर जाइए, आप तो छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की सम्मिलित उस पर जाइए, भद्दापन छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, इस तरह से चीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना आपा खो रहे हैं क्योंकि आप एक गलत बात कर गए, उसको आप सही करने के लिए आप बीच बीच में भी बोल रहे हैं और आप तैश में भी आ रहे हैं। काउंटर अटैक करने की मांग करना क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? शहादत का दिन है, इस दिन इस तरह की भाषा ना बोले, सरकार के साथ खड़े हो, यही हमारी जवाबदेही है और यही एक अच्छे नागरिक का भी कर्तव्य है, एक अच्छे राजनीतिक नेता का भी कर्तव्य है। हमारे लोगों को निवेदन करती हूँ कि अगर आप सच्चा बताने के लिए, उसके अहंकार के लिए आप अपनी बात को इस तरह से बयानबाजी नहीं, आप किसको प्रमोशन देने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, किसके प्रमोशन के लिए, किसको सेंटर देने के लिए आप ऐसा बयान दे रही हैं? और डीआरजी के जवानों के परिवारों के साथ उनकी शहादत को सलाम कीजिए और मैं उनकी शहादत को, आपने सलाम शब्द भी नहीं बोला इसकी, मैंने बिल्कुल बोला है, आप पूरा डिबेट खोल कर देखेंगे, मैं तैश में भी नहीं आ रही हूं। मुझे ये बताइए घटना हुई है, मुझे ये बताइए सर, हम सभी को संजीदा वक्तव्य देने चाहिए, बात करना हमें ये ध्यान रखना चाहिए, आज जिस बात का जवाब क्यों नहीं देती है, आखिरी चरण में है, आखिरी चरण में। आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली हनुमान जी, आपने अपनी बात कह ली। मिश्रा जी, सिंह साहब, आरके सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आंकड़े बता देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि नक्सली हमले किसी की सरकार में कम नहीं हुए। 2011 में 465, 2012 में 370, 2013 में 355, 2014 में 328, 2015 में 466, 2016 में 395, 2017 में 373, 2018 में 392, 2019 में 263 और 2020 में 315 हमले हुए। 2021 से अभी तक के आंकड़े सरकार की ओर से जारी नहीं हुए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो बड़े नक्सली हमले हुए 25 अप्रैल 2017 सुकमा, सीआरपीएफ के 25 जवान यहां पर शहीद हो गए। सिंह साहब क्या कहेंगे आप, जो जो चुनावी राज्य होता है ना, तो नेताओं के साथ एक आध बयान तो पॉलिटिकल निकलता ही है। मुझे आप बताइए एज एन एक्सपर्ट, आप क्या कहेंगे, कैसे व्यक्ति जिसने काउंटर इंसर्जेंसी में पूरी जिंदगी लगा दी हो, आपको ये बहस देखकर क्या लग रहा है? ये बहस देख के मुझे तो ये पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, जिनका बचपना दिखता है, इनमें मैच्योरिटी की बहुत कमी है।
इंसिडेंट को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए, इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हादसे चाहे जितने भी कर रहे हो ये नक्सलाइट्स, लेकिन इनकी जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है वो सिकुड़ रहा है, और जितनी जिलों में ये लोग एक्टिव थे और स्ट्रांग थे वो एरिया, वो डिस्ट्रिक्ट्स कम हो रही हैं और धीरे धीरे ये सिकुड़ते जा रहे हैं। लेकिन सिकुड़ने के बावजूद भी ये एक्शंस तो कर ही सकते हैं जब तक इनके पास वेपन और एक्सप्लोसिव्स हैं। तो हमारी थोड़ी कमी जरूर रही होगी, हमारा जो मूवमेंट है उसको इन लोगों ने ट्रैक कर लिया होगा, और आपको पता ही है कि डीआरजी से इन्होंने, डीआरजी के लड़के थे वो 10 लड़के और एक ड्राइवर, जो डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स ग्रुप होता है स्टेट का पुलिस का, वो ये लड़के थे और शायद इनसे कहीं कोई चूक हो गई है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो इन्फॉर्मर होते हैं वो बहुत ही देखिए कमजोर होते हैं, चूंकि उनके पास कोई वेपन नहीं होता है, तो जब फोर्सेस को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बहुत डर डर के देते हैं, लेकिन इनको जब इन्फॉर्मेशन देते हैं नक्सलाइट्स को, तो वो इनके डर से देते हैं। हम कोई पुलिस का और पैरामिलिट्री का आदमी अगर इन्फॉर्मेशन ना मिले तो किसी की जान नहीं लेता, लेकिन अगर नक्सलाइट्स को पता चल जाए कि हमें इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी या मेरे खिलाफ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी तो उसकी जान ले लेते हैं। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन का जो ट्रिकल डाउन है वो डिफरेंट होता है, जो फोर्सेस को मिलता है वो और जो इनको मिलता है वो। तो इसमें हमारी कहीं कोई चूक रह गई है, ऐसा हादसा होता नहीं अगर हमें कोई चूक ना हुई होती तो। उसको हमको जानकारी उसके प्राप्त करनी है ताकि हम आगे के लिए सतर्क रह सके, इस तरह के हमसे गलती ना हो, ये हमारे कहने का मतलब है। और पॉलिटिकल पार्टीज का जो ये तूतू मैं है, इसका कोई, अब ये प्राइम मिनिस्टर की बात ले आते हैं, वो चीफ मिनिस्टर की बात ले आते हैं, इसका क्या मतलब है? चीफ मिनिस्टर का जो काम है वो करेंगे, प्राइम मिनिस्टर अपना काम करेंगे, होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी बात कर लिया है चीफ मिनिस्टर से और आश्वस्त कर दिया होगा कि सारी फोर्सेस जितनी भी जरूरत होगी वो देंगे स्टेट को और ऑपरेट करेंगे सही तरीके से। यही पर रुकूंगा आप सबका बात करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये कहूंगा कि शहादत किसी की भी हो व्यर्थ नहीं जाएगी, ये इस देश का संकल्प है और ये सरकारों का भी संकल्प है। Z News.